नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट किस प्रकार डाल सकते हैं। साथ ही बताने वाले हैं कि आप एग्जिट डेट डालते समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या गलती नहीं करना है, पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट नहीं पता है तो आप किस प्रकार से सही डेट ऑफ एग्जिट अपने पीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए सबसे पहले आपको यूएन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ही आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना यूएन नंबर डालना है, उसका पासवर्ड डालना है, उसका कैप्चा डाल के साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पर लेटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे वी पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे सर्विस हिस्ट्री, इस पर क्लिक कर देंगे। सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इस यूएन नंबर में जितने भी मेंबर आईडी है सारे शो कर रहे हैं, और जिसमें कुछ में एग्जिट डेट डला हुआ है और कुछ में एग्जिट डेट नहीं डला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग डला हुआ है और यहाँ पे एग्जिट डेट नहीं डला हुआ है। तो चलिए हम इसको डालते हैं। तो एग्जिट डेट डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होगा मैनेज में। मैनेज में आने के बाद यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट डिप्लॉयर है उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट। सिलेक्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने मेंबर आईडी है जिसमें हमें एग्जिट डेट डालना है वो यहाँ पर सारा शो कर जाएगा जिसमें एग्जिट डेट नहीं डला हुआ है। अगर आपका एक होगा तो एक ही शो करेगा, और मेरे यहाँ पर कई सारे हैं तो सभी को शो कर रहा है। उसके बाद इसमें से जो आपको एग्जिट डेट जिसमें डालना है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एग्जिट का ये कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, तो यहाँ पे हम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं पे जब आपको काम कर रहे हैं तो छोड़ने का डेट जरूर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ गलत डालिएगा तो आपको पीएफ का पैसा फंस जाएगा और पैसा निकल पाएगा, तो इसलिए गलत डेट मत डालिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं। उसके बाद रीसेलेक्ट ऑफ एग्जिट डेट यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ रीजन सेलेक्ट करना है कि किस कारण से आप एग्जिट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ सर्विस, ये ज़्यादातर यही सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाया और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे इसको बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया सबमिट, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आर यू सो यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, तो इसके बाद यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो डाला था वो मेंबर आईडी यहाँ पे शो करने लग गया है और यहाँ पे देखिए उसका डेट ऑफ एग्जिट भी शो कर रहा है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी शो कर रहा है। तो चलिए हम दोबारा से चलते हैं व्यू में। व्यू में जाने के चलते सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में आने के बाद देख सकते हैं कि हमने इस मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट डाला था और यहाँ पे देखिए इस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट भी शो कर रहा है और ईपीएस में भी डेट ऑफ एग्जिट शो कर रहा है। तो ये था पूरा प्रोसेस डेट ऑफ एग्जिट डालने का। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने लाभ मान लिया कि जनवरी में आपका फंड ट्रांसफ़र किया है तो उसके 2 महीने के बाद ही आप पीएफ को अपने खुद से एग्जिट डेट डाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। उसके लिए दोबारा चले जाएंगे मैनेज में। मैनेज जाने पर यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट पर जाएंगे। तो एग्जिट पर जाने के बाद फिर से उसी पे सेलेक्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि डेट ऑफ एग्जिट कैन बी ओनली बी अपडेट आफ्टर 2 मंथ, मतलब 2 महीने के बाद ही, नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद ही आप पीएफ में
डेट ऑफ एग्जिट खुद से अपडेट कर सकते हैं, उससे पहले अपडेट नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डेट ऑफ मतलब आपने जो कंपनी छोड़ा है उसका छोड़ने का डेट अगर आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ पर जब कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे मंथ लिखा हुआ आता है, तो वो मंथ वही लिखा हुआ आता है जो हमने लास्ट में छोड़ा है, वही मंथ लिखा हुआ है। हमें तारीख नहीं पता कि हमें किस तारीख को काम छोड़ा है, तो हमें ये नहीं पता है। तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीका है कि आप जो लास्ट होता है जैसे 27, 28, 29, 30 इसके बीच वाला कोई भी डेट एक सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद ही आप यहाँ पे एग्जिट डेट डालें तो वो आपका एग्जिट डेट सही डल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।